अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू आर वाचिंग आरएमआई 45। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कब फैसला हो गया? बल्दियाती इलेक्शन मई के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन मई के आखिरी हफ्ते में होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन जल्द नए बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद और रशीद भी कह चुके हैं कि 15 मई को बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रहे हैं। हर शहरी अपने बल्दियाती नुमाइंदे खुद चुनेगा। एक तकरीब में इनका कहना था कि मकामी हुकूमतों का बाइख्तियार निज़ाम लेकर आ रहे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद और रशीद ने मज़ीद ये भी कहा है कि नए बल्दियाती एक्ट में स्पेशल पर्संस की सीट का इजाफा किया है, यूथ और ट्रेडर्स को भी नुमाइंदगी दी है। उन्होंने कहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि हर इंतखाबात से पहले बल्दियाती एक्ट में होने वाली तब्दीली को रोका जाए। इस मौके पर ईवीएम के जरिए इलेक्शन कराने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि बायोमेट्रिक इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द है। सरकारी कॉलेजेस में मजीद असाज़ा भर्ती करने का फैसला। शहर के सरकारी कॉलेजेस के लिए आर्जी असाज़ा भर्ती किए जाएंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस लाहौर का 240 असाज़ा भर्ती करने का फैसला। असाज़ा एसोसिएट और बीएससी कॉलेजेस के लिए भर्ती किए जाएंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि महकमा हायर एजुकेशन से असाज़ा की भर्ती के लिए इजाज़त ली है। भर्ती के लिए एक दो रोज़ में इश्तहार दिया जाएगा। इन भर्तियों से कॉलेज में असाज़ा की कमी को पूरा किया जाएगा।